या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्माशना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। भगवतीं सरस्वतीं नमस्कृत्य अद्यतनं पाठं आरभे। अत्र दशसंख्याकः श्लोकः विद्यते। अस्य श्लोकस्य संबंधः तत्र पूर्वेण श्लोकेन सह वर्तते और क्रमशः ये श्लोकाः समायान्ति, वस्तुतः परस्पर संबद्धाः सन्ति। यतो हि एकस्य श्लोकस्य तादृशी व्यापकता वर्तते, यदि तस्य विश्लेषणं न सम्यक् भवति तर्हि अर्थोपि उत्तमः अर्थोपि अर्थः भवितुं शक्नोति। अथ अपि अस्मिन् श्लोके तादृशं भावं तत्र स्पष्टीकृतवान् अस्ति आचार्यचाणक्यः। पश्यन्तु, लोकयात्राभयं लज्जा, दाक्षिण्यं त्यागशीलता, पञ्चयत्र न विद्यन्ते तत्र संसतिं, न कुर्यात् तत्र संसतिम्। तो पश्यन्तु, लोकयात्रा भयं लज्जा, दाक्षिण्यं त्यागशीलता, पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संसतिम्, न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्। पश्यन्तु, अत्र पूर्वं तावत् अस्माभिः द्रष्टव्यानि कानि सन्ति संयुक्तानि पदानि, परन्तु अत्र सन्धिः न दृश्यते, यतोहि सर्वाणि एव पदानि पृथक् भूतानि समागतानि अत्र। अतः अत्र संधेरभावः, यत्र संधेरभावः भवति तत्र किं भवति? तत्र भाषा अतीव बोधगमा भवति, सरला च दृश्यते। संधि समासयोः कारणात् कदा तत्र भाषा श्लिष्टा क्लिष्टा श्लिष्टा भवति, पुनश्च यदि आधिक्यं भवति चेत् तर्हि क्लिष्टा भी भवति। तो एतदर्थमेव अत्र सर्वेपि अस्य ग्रन्थस्य अमूल्यं भावं जानीयुः, अवगक्षेयुः। एतदर्थमेव अत्र भाषायां तादृशीं क्लिष्टतां नैव करोति, नैव सम्मेलयति तत्र आचार्यचाणक्यः। एतदर्थं पश्यन्तु, लोकयात्रा भयं लज्जा, दाक्षिण्यं त्यागशीलता, पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संसतिम्। आशयः वर्तते, अत्र संधि नास्ति तर्हि वयम् अन्वयं विधास्यामः। अन्वयः कः अस्य श्लोकस्य? पश्यन्तु, अतीव सरलः श्लोकः अस्ति। यथा पदानि आगतानि सन्ति तथैव अस्माभिः अत्र तेषां न्यासः कर्तव्यः। पश्यन्तु, यत्र कुत्रापि पदानां स्थितिः तस्ततः वर्तते तर्हि वयम् इदानीम् अन्वये क्रमपूर्वक तेषां न्यासं कुर्मः। पश्यन्तु, लोकयात्रा भयं लज्जा, दाक्षिण्यं त्यागशीलता, यत्र एतानि पञ्च न विद्यन्ति तत्र नरः संस्थितिं न कुर्यात्। एवं पूर्वस्मिन् श्लोके यदा कर्तृपदस्य स्थितिः नासीत्, एतदर्थं नरः इति पदस्य आनयनम् अस्माभिः कृतम्। अस्मिन् श्लोके अपि कर्तृपदं नैवास्ति, अतः वाक्यार्थबोधाय एव
नरः इति पदस्य अस्माभिः आनयनं विधेयम्। पुनश्च पञ्च इत्यस्य यत्र इत्यस्य अग्रे एतानि इति पदस्य आनयनम् अस्माभिः करणीयं, यतोहि तत्र पञ्च यानि आगतानि सन्ति तेषां संकेतरूपेण एव तेषां संकेताय एव एतत् शब्दस्य बहुवचनान्तस्य नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः अस्माभिः विधेयः। एतेन किं भविष्यति? एतेन वाक्यस्य संगतिः अर्थश्च सम्यक् रूपेण स्फुटी भविष्यति। एतदर्थमेव अस्माभिः एतानि वा पुनश्च तत्र नरः इति इत्यनयोः पदयोः समाहारः अस्माभिः कर्तव्यः। पश्यन्तु तर्हि अन्वयः कः? एकवारं वयं पश्यामः। लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता एतेषाम् अत्र चरणद्वये अस्माभिः किं करणीयं? चरणद्वये यथा सन्ति, चरणद्वयं यथा अस्ति तथा एव तस्य न्यासः विधेयः। तो लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता यत्र एतानि पञ्च न विद्यन्ते तत्र नरः संस्कृतिं न कुर्यात्। पश्यन्तु पूर्वस्मिन् श्लोके दिवसं नयेत्, अत्र संस्कृतिं न कुर्यात्। पुनश्च पूर्वस्मिन् श्लोके आसीत् देशं परिवर्जयेत्, आशयः भिन्नः भिन्नः। देशं परिवर्जनस्य वार्ता क्रियते, दिवसं दिवस नयनस्य वार्ता क्रियते, पुनश्च संस्कृतेः वार्ता क्रियते। यदि तिसॄणां वार्ताणां स्थितिः अस्माभिः अत्र आचार्यचाणक्यग्रन्थेषु अस्मिन् ग्रन्थे अस्माभिः अवलोक्यते। तर्हि आशयः एकः एव न वक्तुं शक्यते एतत्, यतोहि देशवर्जनस्य वार्ता अर्थात् पूर्वं तस्य विषये अस्माभिः किं ज्ञातव्यं? यदि अस्ति चेत् एवं स्थितिः, तर्हि तादृशं देशं तादृशः देशः अस्माभिः वर्जितव्यः। अर्थात् यस्मिन् कस्मिंश्चित् देशे यदि वयं गच्छामः तर्हि आदिवशं यदि तत्र वसामः तर्हि यदि धनिकः श्रोत्रियो राजा एते पञ्च तत्र न वसन्ति तत्र दिवसानां व्यतीतिः अस्माभिः नैव कर्तव्या। तत्र संस्कृतेः विषये अपि अत्र वदति संस्कृतिः अपि सम्यक् स्थितिः, सम्यक् स्थितिः इति संस्कृतिः भवति। अतः तत्र विचिन्तः निश्चिन्तः सन् तत्र स्थितिः अस्माभिः न कर्तव्या इति आशयः वर्तते। तर्हि वयं व्याख्यायां यदा वयम् अस्य श्लोकस्य कः विशिष्टार्थः अस्ति इत्यस्मिन् क्रमे वयं चर्चां करिष्यामः। तावत् पूर्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यं समस्तपदम्। अत्र समस्तपदानां स्थितिः अत्र न्यूना अस्ति, अल्पा अस्ति। एकमेव पदम् अस्माभिः दृश्यते, लोकयात्रा। तो लोकस्य यात्रा इति लोकयात्रा, लोकस्य यात्रा इति लोकयात्रा, अतः षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। अत्र पश्यन्तु त्यागशीलता, त्यागस्य शीलता इति त्यागशीलता, त्यागस्य शीलता इति त्यागशीलता। अत्र पदद्वयमेव अत्र समस्तपदम्। अतः समस्त पदानि दृष्ट्वा इदानीं वयं गच्छामः तत्र पदानां परिचयं प्रति। लोकयात्रा अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, रमावत् रूपाणि चलन्ति, अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। भयम् इत्यत्र अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः, अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। लज्जा अत्र अजन्त अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। दाक्षिण्यम् इति अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः, अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। त्यागशीलता इति प्रातिपदिकं त्यागशीलता, अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। पश्यन्तु पञ्च, पञ्च इति
संख्यावाची शब्द वर्तते अजंत अकारांत तत्र शब्द अस्ति संख्यावाची शब्द विद्यते अतः अस्य प्रयोग अत्र बहुवचनान्ते अस्ति। अत्र प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्ते वर्तते यत्र इति अव्ययम् न इति अव्ययम् विद्यन्ते विदसत्तायां धातुः तत्र प्रथम पुरुषस्य लट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनस्य इयं क्रिया विद्यते न कुर्यात् इति अव्ययम्। पुनश्च नरः इति पदस्य आनयनम् अस्माभिः कृतमासीत् एतानि इति पदस्य आनयनम् अस्माभिः कृतमासीत् तर्हि एतानि इति पदस्य विषये नरः इति पदस्य विषये अपि भवन्तः जानन्ति। एतत्शब्दः तत्र एतत्सर्वनाम शब्दः नपुंसकलिङ्गे एव प्रथमाविभक्तौ बहुवचने एव एतानि भवति नरः इति अजन्तकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः तस्य प्रथमव्यक्तौ एकवचने भवति नरः। पश्यन्तु अत्र वयं कुर्यात् क्रीधातुः डुक्रीकरणे धातुः वर्तते तत्र विधिलिङ्गकारे एव अस्माभिः एतत् पदं दृश्यते कुर्यात् विधिलिङ्गकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव इयं क्रिया निष्पन्ना भवति। तत्र इति अव्ययं संस्कृतिं तत्र प्रातिपदिकं संस्कृति वर्तते अजन्त इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्मिन् पदे अस्ति द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एवं सन्ति पदानां परिचयः एतेषां पदानां परिचयः अस्माभिः दृष्टः। इदानीं वयं पश्यामः एतस्य श्लोकस्य का व्याख्या अस्ति। पश्यन्तु लोकयात्रा लोकयात्रा अर्थात् देशाटनं या विश्वभ्रमणं या देशाटनं लोकयात्रायाः मुख्य प्रयोजनं भवति आजीविका पुनः व्यापारार्थम् अतः लोकयात्रा व्यापारः भी उच्यते। भयं भीतिः लज्जा तृपा न ह्रीः दाक्षिण्यम् उदारता त्यागशीलता त्यागभावः समर्पणभावः यत्र यस्मिन् स्थाने यस्मिन् देशे यस्मिन् स्थले एतानि पञ्च यानि पूर्ववर्णितानि पञ्च वस्तूनि या न विद्यन्ते न सन्ति तत्र तस्मिन् देशे तस्मिन् प्रदेशे तस्मिन् देशे तस्मिन् स्थले वा नरः मनुष्यः संस्कृतिं सम्यक् स्थितिं निवासं च न कुर्यात् न आचरेत् न वशेत् एवमासीत्। अत्र पश्यन्तु अत्र का व्याख्या इति शब्दशः व्याख्या अस्माभिः दृष्टा सरलार्थः कः अस्ति। आचार्य चाणक्यः निगदति अयि भो जनाः पश्यन्तु भवतां जीवने वासाय का पात्रता वर्तते कुत्र स्थातव्यं कुत्र नैव स्थातव्यम् एतस्य विषये इदानीं विशेषेण वक्ति आचार्य चाणक्यः किं कथयति। तत्र तस्मिन् स्थले यस्य कस्यापि वासः नोचितः भवति यत्र लोकयात्रा न भवति। लोकयात्रा अर्थात् व्यापारः व्यापारस्य स्थितिः न भवति यत्र कर्म न भवति कर्मकरणस्य अवसरः न दीयते तत्र लोकयात्रा इत्याशयः। भयं यत्र भयं नास्ति भयशीलता जनाः आकृतिभ्यः भयं न कुर्वन्ति अधर्मनिष्ठकार्येभ्यः भयं न कुर्वन्ति तत्र तादृशः यदि देशः अस्ति तत्र कश्चिदपि वासं न कुर्यात्। लज्जा नास्ति लज्जा इत्यस्य आशयः अस्ति तत्र दुष्टकार्य करणे लज्जा भवेत् यतो हि अमर्यादित कार्याणां करणे यदा लज्जा भवति तदा वयं तस्मिन् कार्ये
प्रवृत्ता न भवामः। एतदर्थं लज्जा भी भवेत्। लज्जा मर्यादानुगामिनी भवति। यत्र मर्यादा भवति तत्र लज्जा भी भवति। यत्र लज्जा न भवति तत्र मर्यादा न भवति। अर्थात मानवीयतानु मानवीयतानु गा भवति लज्जा। अतः लज्जा यत्र न जायते तत्र अपि वासः न करणीयः। यदा उदारशीलता नास्ति तत्रापि संसतिं वासः न विधेयः। यदा त्यागशीलता नास्ति यत्र जनाः समर्पणभावेन न जीवन्ति, परस्परं समर्पणभावेन न जीवन्ति, परस्परं स्नेहेन न निवसन्ति, तस्मिन् स्थाने वासः नैव विधेयः इत्याशयः विद्यते। पश्यन्तु अत्र किमस्ति विशिष्टार्थः कः। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः, पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं नयेत्। द्वितीय श्लोक अस्ति लोकयात्राभयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता, पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संसतिम्। धनिकः अस्ति, अहं पूर्वेण श्लोकेन सह इदानीं विशिष्टार्थं भवतां समीक्षां पुरतः अभिविनश्मि। पश्यन्तु धनिकः अस्ति, तस्य पार्श्वे त्यागशीलता नास्ति, दाक्षिण्यं नास्ति, तर्हि सः धनिकः कः? कृपणः। अतः यस्मिन् देशे धनिकः भवेत् परन्तु सः कृपणः भवेत् तत्र वासः नैव विधेयः इत्याशयः वर्तते यत्र। अतः दशमे श्लोके इतोपि स्पष्टीकरोति आचार्य चाणक्यः, धनिकः अस्ति चेत् समर्पणभावः नैव अस्ति, त्यागशीलता नास्ति, तर्हि तादृशं स्थानम् अस्माभिः वर्जितव्यम् इत्याशयः वर्तते। अतः पश्यन्तु पूर्वेण सह एतस्य श्लोकस्य सम्बन्धः वर्तते, धनिकः धनिकेन सह त्यागशीलता, दाक्षिण्यं शक्तिशाली जना भवति परंतु क्षमा नास्ति। और यदि सा जना कस्मिन् स्थाने भवति तत्र अस्माभिः वशीयं न न न क्षमा नास्ति, सः एव भवन्तं किं करिष्यति, भवतां हानिं करिष्यति, भवतां भवन्तं मारिष्यति, एवम् आशयः वर्तते। अतः यदि दङ्का अस्ति त्यागशीलता नास्ति, एतदर्थम् अस्माभिः यदि एतादृशः धनिकः यस्मिन् स्थाने निवसति तादृशं स्थानम् अस्माभिः वर्जितव्यम् इत्याशयः वर्तते। पूर्वं तावत् धनिकः तु अस्ति परन्तु त्यागशीलता नास्ति, निश्चयेन अस्माभिः तत्र स्थानं किं तत्र अस्माभिः स्वीकर्तव्यं न। इतोपि आचार्य चाणक्यः इदानीं स्पष्टीकरोति अनेन श्लोकेन। श्रोत्रियः विप्रः, विप्रः अस्ति परन्तु विप्रे लोकयात्रा न भवति, व्यापारः नास्ति, व्यापारः नास्ति। तो व्यापारः इत्यस्य आशयः उद्यमशीलता नास्ति, उद्यमशीलता नास्ति। धर्मं जानाति परं धर्मस्य आचरणाय लोकान् न प्रवर्तयति, तर्हि तस्मिन् स्थाने अपि तत्र निवासः विधेयः अस्माभिः। धनिकः अस्ति परन्तु लोकयात्रा तस्मिन् न वर्तते, तो लोकयात्रायाः उद्यमशीलतायाः अभावे एकस्मिन् दिवसे धनिकः कः कीदृशः भविष्यति? निर्धनः भविष्यति। यतोहि पूर्वस्मिन् श्लोके निगदितमस्ति किम्? आपदर्थे धनं रक्षेत् श्रीमतां कुत आपदः, कदाचित् चलिता लक्ष्मीः सञ्चितापि विनश्यति। पश्यन्तु तत्र कदाचित् चलिता लक्ष्मीः इति उक्तमस्ति पूर्वे, आस्या कः? लक्ष्मीः सर्वदा कस्यचित् पुरुषस्य पार्श्वे नैव वसति इत्याशयः। अतः धनिकः यदि उत्तम उद्यम शीलः न भवति, व्यापारशीलः न भवति, व्यापारेण सहितः न भवति, एकस्मिन् दिवसे तस्य लक्ष्मीः गमिष्यति, लक्ष्मीः नष्टा भविष्यति, तर्हि सः अपि निर्धनः भविष्यति। एतदर्थं लोकयात्रा भवेत्, व्यापारशीलता भवेत्, धनिकेपि
विप्रेपि राजन्यपि न वैद्येपि पश्यन्तु नदी अस्ति। नदी तो व्यापारशीला वर्तते, सह सततम् प्रवहति, तस्य जलम सततम् वहति, न स्थितम् स्थितम् भवति तस्य जलम्। तो जलेपि व्यापारशीलता भवति, जलमपि व्यापारशीलं भवति। अतः यदि नद्याः जलम् एकस्मिन् स्थाने स्थितं भवेत् सा नदी नदी न भवति, तत्तु सरः भविष्यति। यदा सरसः जलम् एकस्मिन् स्थाने संचितं भूत्वापि एकस्मिन् स्थाने वसति लसति, तो तादृशम् एव उच्यते सरः। तो एतदर्थं नदी अपि व्यापारशीला वर्तते। अतः वैद्यः वैद्यः जानाति सर्वं, परन्तु परकार्येण स्वात्मानं प्रवर्तयति, परहिते स्वकीयं कार्यं न करोति। तर्हि वैद्यः किमर्थं वैद्यः? वैद्यः तु वैद्यत्वेन जायते। वैद्ये यदि वैद्यत्वं नास्ति तस्य वैद्यत्वं तु अस्ति परन्तु न प्रदर्शयति, न करोति, तथा नाचरति, अतः सः अपि वैद्यः न भवति। यात्रा लोकयात्रा इत्यस्य आजीविका व्यापारः, व्यापारः इत्यस्य आशयः भवति एतेषु सर्वेषु तादृशी कर्मशीलता दृश्येत्, एवम् आशयः वर्तते अत्र। पुनश्च पश्यन्तु, भयं धनिकस्य पार्श्वे यदि भयं नास्ति चेत् तर्हि कः कथं सः भविष्यति? सः भविष्यति धनिकः कीदृशः? निर्भयः भविष्यति, सः किमपि अनिष्टम् इष्टम् अनिष्टं कार्यं वा कर्तुम् अर्हति। अतः श्रोत्रियोपि राजा राजा राज्ञः भये राजा राज्ञः मनसि अपि भयं स्यात्, सः अपि न्यायालये न्यायं कर्तुं सः सम्यक् रूपेण प्रभविष्यति। सम्यक्। वैद्ये मनसि अपि भयं स्यात्, अर्थात् कृत्याकृत्य विषये सः अपि चिन्तयिष्यति। पुनश्च पश्यन्तु, लज्जा लज्जा यानी मर्यादित भावना, मर्यादां प्रति या भावना उत्पन्ना भवति सा भवति लज्जा। लज्जा अपि भवेत्, नो चेत् यस्यां पार्श्वे लज्जा या येषां पार्श्वे लज्जा न भवति निश्चयेन तेषां जीवनं विकृतं भवति, भग्नं भवति, व्यवस्थितं न भवति, सामाजिकं न भवति, एवम् आशयः। अतः धनिको भवेत् वा श्रोत्रियो भवेत् वा राजा भवेत् वा वैद्यो वा भवेत् वा, एतेषु सर्वेषु लज्जा भवेत्, तथा एव तस्मिन् स्थाने अस्माभिः किं करणीयं वा सविधेयः। दाक्षिण्यम् उदारता, उदारता भी भवेत्। धनिकपार्श्वे उदारता नास्ति, धनमस्ति उदारता नास्ति, तर्हि धनिकेन किं प्रयोजनम्? विप्रः अस्ति तस्मिन् पार्श्वे उदारता नास्ति, तर्हि विप्रेण किं प्रयोजनम्? राजा अस्ति किन्तु उदारता दाक्षिण्यं नास्ति, तर्हि राज्या किं प्रयोजनम्? नदी अस्ति तेन नद्यां उदारता नास्ति, तर्हि नद्या किं प्रयोजनम्? वैद्यः अस्ति उदारता नास्ति, तर्हि वैद्येन किं प्रयोजनम्? न तो उदारता एतेषु सर्वेषु स्यात्, तदा एव व्यवहारस्य सम्यक् रूपेण प्रवृत्तिः भवति। त्यागशीलता, नास्ति त्यागसमं सुखम्। अस्माकं जीवने त्यागस्य अतीव महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। यदि वयं त्यागशीलाः न भवामः निश्चयेन अस्माकं जीवनं कृपणं भवति, संकुचितं भवति, संकीर्णं भवति। तत्र अस्माभिः यत्किमपि अर्जते तत् केवलम् अस्मत् कृते एव भवति, परेषां कृते न भवति। पशवोपि हि जीवन्ति केवलं सोदरम्भराः, तस्य जीवनं श्लाघ्यं यः परार्थे स जीवति इति उक्तं केनचित् कविना। वस्तुतः तत्र परार्थाय एव अस्माकं जीवनं वर्तते। अतः यत्किमपि अस्माभिः अर्जते, यत्किमपि अस्माभिः सञ्चीयते, तस्य प्रयोगः परेषां कृते अपि करणीयः, एवम् आशयः वर्तते। त्यागः
ईशावास्योपनिषदि अतीव उक्तोयम् मन्त्रः वर्तते पश्यन्तु ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः पश्यन्तु त्यागशीलता तत्र पश्यन्तु तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः त्यक्तस्य त्यक्तेन इति पदस्य प्रयोगः वीतः तत्र उपनिषदि ईशावास्योपनिषदि तर्हि पश्यन्तु त्यागशीलता अस्माकं जीवने स्यात् त्यागशीलता येषां जीवने भवति तेषां मनसि गर्धनं न भवति लोभः न भवति लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् इति उक्तं केन भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम् अस्ति लोभः समेषां पापानां मूलं भवति अतः लोभस्य विनाशाय और हृदयस्य विस्ताराय मनसि उदारता विकाशाय अस्माभिः त्यागः स्वीकर्तव्यः त्यागः करणीयः त्यागः व्यवहर्तव्यः इत्याशयः वर्तते अतः त्यागपूर्वकं कर्म यदि कश्चित् आचरति जनः निश्चयमेव तस्य जीवनं निष्कामक्षेत्रं प्रति उन्मुखी भवति अतः त्यागः नास्ति चेत् तर्हि तत्रापि धनिकेन श्रोत्रियेण राज्या नद्या वैद्येन सह किमपि प्रयोजनं सिद्धं न भवितुं शक्नोति अतः दशमे श्लोके आचार्य चाणक्यः स्पष्टीकृतवान् यत्र एतानि न भवन्ति आशयः एते गुणाः यदि पूर्वेषु उक्तेषु जनेषु गुणाः एताः न भवन्ति इति न भवन्ति निश्चयेनैव यत्र ते वसन्ति तत्रैव तत्रैवपि वासः न विधेयः एवम् आशयः वर्तते अतीव स्पष्टतां कृतवान् आचार्य चाणक्यः अनेन श्लोकेन पश्यन्तु एवम् आशयः वर्तते तो तर्हि विशिष्टार्थः अस्माभिः दृष्टः अब हम एक बार इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर प्रामाणिक और अद्भुत तथ्य आचार्य चाणक्य हम सब के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने देखा कि पूर्व पूर्व श्लोकों में देश में न रहने की बात कह रहे हैं आचार्य चाणक्य। इसका आशय ये है कि इन तीनों श्लोकों में देश स्थान और दिन इन तीनों को व्यतीत न करने की बात कही है। तो एक में देश का, दूसरे में न दिन को न व्यतीत करने का, और तीसरे में रुकने का, अच्छी प्रकार से कहीं ठहरने का। ये तीन तरह की बात आचार्य चाणक्य हमारे सामने कह रहे हैं। तो उसमें से जो नौवां श्लोक है और दसवां श्लोक है, इन दोनों का बहुत ही सुंदर साम्य है। जैसे दसवें श्लोक में पांच व्यक्तियों के पांच बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की कि ये पांच यदि कहीं ना हो तो हमें वहां नहीं रहना चाहिए, और दसवें श्लोक में कह रहे हैं कि व्यापार, भय, लज्जा, उदारता और त्यागशीलता ये जहां ना हो वहां भी नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट ढंग से बता देता हूं, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। बहुत ही सुंदर जो है श्लोक है ये, इसमें ये बताया है कि इसका जो संबंध है वो पूर्व श्लोक के साथ है। जैसे अगर धनिक व्यक्ति है और उसमें उद्यमशीलता नहीं है तो वो धनिक क्या हो जाएगा? वो धनिक एक दिन गरीब हो जाएगा और उसकी धनिकता नष्ट हो जाएगी। श्रोत्री है, उसमें उद्यमशीलता की आवश्यकता होती है, वो भी उद्यमशील होना चाहिए। राजा भी उद्यमशील होना चाहिए क्योंकि वो कब तक टैक्स पर जीवित रहेगा, कर पर कितना वो आश्रित रहेगा, नहीं रह सकता।
वो कर पर आश्रित होकर के स्वयं उसे उद्यमशील होकर के प्रजा के कल्याण के लिए सतत निरत रहना चाहिए। और स्वयं उद्यमहीन हो जाएगा तो एक दिन उसका ही अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। नदी तो उद्यमशील है, उसका जल प्रवाह निरंतर चलता रहता है। वैद्य भी को भी उद्यमशील रहना चाहिए कि वह जितना जानता है उसके अलावा भी नए नए ज्ञान के लिए उद्यम रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए। तो ये जो उद्यमशीलता है, व्यापारशीलता है, ये पांचों में होनी चाहिए। और भय, भय हमारे जीवन में के दो दृष्टिकोण होते हैं। भय का सदुपयोग भी होता है और भय का दुरुपयोग भी होता है। भय का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो कहाँ हम कर सकते हैं, हम जहां गलत कार्य कर रहे हों और ईश्वर को साक्षी मान के करें, अगर उस समय हमें ये लग रहा है कि ईश्वर हमें इस गलत कार्य में देख रहा है और उसका दंड बुरा होगा, तो हमारे अंदर ऐसा भय है तो हम अनिष्ट कार्य नहीं करते। वैसे यदि धनिक के पास भय नहीं होगा, विप्र के पास भय नहीं होगा, राजा के पास भय नहीं होगा, वैद्य के पास भय नहीं होगा, तो ये क्या होंगे? ये अमर्यादित हो जाएंगे, ये उच्छृंखल कार्य करने लगेंगे। उच्छृंखल कार्य कर देने से वह जहां ये हैं वहां का समाज दूषित हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। क्योंकि धनिक यदि अपने व्यापार को अनैतिक ढंग से बढ़ाने के लिए वो गलत कार्यों का सहारा लेगा और उसका उसके फल के विषय में कि उसे दंड भी मिल सकता है, इस प्रकार का यदि भय नहीं होगा तो निसंदेह क्या हो जाएगा, क्या होगा, होगा ये कि वो अनैतिक कार्य की ओर सतत बढ़ता जाएगा। अपने धन का दुरुपयोग करते हुए वो गलत कार्य की ओर उन्मुख होता जाएगा और समाज में क्या व्यवस्था फैलेगी। तो इसलिए उसे भी जो है धन का सदुपयोग करने के लिए भय अनुभूत करना चाहिए। सोत्री जो राजा है, सोत्री जो वेद पाठी विप्र है, वो धन के लालच में, बहुत अच्छा प्रसंग है, धन के लालच में आकर के, वो धन के लालच में आकर के अपनी धर्मनिष्ठता का में प्रमाद न करे, उसको तीव्रता से न करे, उसको व्यवस्थित ढंग से करे। धन लोभ के कारण वो अपने कर्म में प्रमाद उसे नहीं करना चाहिए। यदि वो करता है तो उसे ईश्वर से भय करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का जो परिणाम है वो उनकी स्थिति के अनुसार मिलता है। तो इसलिए भय की बात यहां पर स्पष्ट ढंग से बता। लज्जा, लज्जा आप जानते हैं कि जो मानवीय मर्यादा होती है, उस मानवीय मर्यादा के प्रतिकूल काम जो व्यक्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्लज्ज कहते हैं। लज्जा रहित व्यक्ति को हम निर्लज्ज कहते हैं। तो लज्जा मर्यादित कार्यों की ओर प्रवृत्त होने का नाम लज्जा है। और जब हम उन मर्यादित मानवीय मूल्यों के आधारित हम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो हम निर्लज्ज कहलाते हैं। जैसे इंसान का अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति एवं दूसरे सामाजिकों के प्रति क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अनुकूल यदि हम कार्य नहीं करते हैं और कुछ विभत्स कार्य कर बैठते हैं तो वो हमारी निर्लज्जता है। और उसके अनुकूल कार्य करते हैं और एक मर्यादा रखते हैं तो हमारी लज्जा होती है। तो लज्जा भी इन सभी में होना चाहिए। और फिर दाक्षिण्यता, उदारता भी होनी चाहिए, क्योंकि धनिक है, यदि वो धन रखता है, धन देता नहीं है, तो उस धनिक से क्या प्रयोजन, उस स्थान में कभी रहना ही नहीं चाहिए, उसकी अयोग्यता तो खत्म हो गई ना। धनिक है, किसी स्थान में धनिक रह रहा है और उसमें उदारता नहीं है तो आप वहां रहने जाओगे, नहीं रहोगे, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति से आपका क्या प्रयोजन है, वो धन देगा ही नहीं आपको, है ना। तो उदारता होनी चाहिए। श्रोत्री है, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को चल कह रहा है कि मैं ये अपना ये करूंगा, दूसरे का नहीं करूंगा, दूसरे कर्मकांड क्यों करूंगा, मैं अपना ही कार्य कर लूंगा। तो और किसी के संकट या किसी की ऐसी स्थिति में तुरंत उदारता करे, चला जाए, उसे नए उपाय बताए,
बिना किसी लालच लोभ के। तो ऐसा यहाँ श्रोत्री होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, स्थान द्विनिवासी होगा। राजा को उदासीन होना ही चाहिए, राजा जी कृपण है तो प्रजा उसकी असंतुष्ट जो है दुखी और जो है अशांत रहती है, इसलिए राजा को उदासीन होना ही चाहिए। राजा उदासीन नहीं है, आप उस स्थान में रहने जा रहे हैं तो आप भी दुखी हो जाएंगे, आप भी असंतुष्ट रहेंगे, आप भी अशांत रहेंगे, ये आशय है। इसके अलावा त्यागशीलता की बात कहा तो त्यागशीलता का आशय ये है, देखो समर्पण से सब चीजें मिलती हैं, समर्पण से ही जीवन आगे चलता है। अगर समर्पण नहीं होगा, धनिक के पास धन का समर्पण, श्रोत्री के पास धर्म का प्रचार का समर्पण, राजा के पास जो है दूसरों के कल्याण का समर्पण, नदी के पास जल का समर्पण, वैद्य के पास रोग निरोगता का औषधि का समर्पण, अपनी ज्ञान पूर्वक औषधि प्रदान का समर्पण यदि नहीं होगा, चिकित्सा का समर्पण यदि नहीं होगा, तो निसंदेह है वो स्थान इनके रहने पर भी शून्य है, इनके रहने भी में भी जीर्ण है। जैसे परिवार में पिता यदि अपने लालन पालन आदि कर्तव्य को नहीं करता है तो उस पिता के रहने पर भी वो परिवार पिता विहीन जैसा है, अर्थात व्यक्ति अपने गुणों के कारण अपने कर्तव्य के कारण परिवार में जिस स्थान में वो है उस स्थान में अलंकृत होता है। यदि वह उस कर्तव्य से च्युत हो जाए, उससे अलग हो जाए, निसंदेह वो व्यक्ति उस स्थान को अलंकृत नहीं दूषित करने लगता। तो यही आशय है कि ये जो पांच चीजें हैं ये पांच जो है सभी के पास होनी चाहिए, ये पांच हैं इन पांच के पास होनी चाहिए। यदि पांच ये जहां हैं और ऐसा कोई व्यक्ति है तो निसंदेह है उसके जीवन में वह वो स्थान वास करने योग्य है, निवास करने योग्य है। तो बहुत ही सुंदर आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है, अगर हम इसका स्वतंत्र रूप से अर्थ लेंगे तो इसका ये भी अर्थ हम ले सकते हैं कि जिस स्थान में व्यापार का अवसर नहीं है, कार्य करने का अवसर नहीं है, लोगों के अंदर भय नहीं है, लोगों के अंदर लज्जा नहीं है, लोगों के अंदर उदारता नहीं है, लोगों के अंदर समर्पण भाव नहीं है, तो ऐसे स्थान में भी नहीं रहना चाहिए, ये ऐसे है। और इन पांचों का समावेश धनिक श्रोत्री राजा नदी और वैद्य इनमें होना चाहिए, अगर ये इनमें नहीं है तो निसंदेह इनके रहने पर भी क्या है वो उस स्थान में वास नहीं करना चाहिए, ये आशय इसमें बताया गया है। तो आज का पाठ यहीं तक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक ढंग से और बहुत ही जागरूकता के लिए ये श्लोक बताया गया है और बहुत ही प्रासंगिक है। आज आप किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, आप पहले देख लीजिए कि अगर आपको वृत्ति हमारे ही देश में कहीं नहीं मिल रही है, विदेश में मिल रही है, तो आजीविका के लिए आप विदेश का भी आश्रय कर लें, क्योंकि वो आपके जीवन यात्रा को संचालन करने में समर्थ होता है। तो आप देश का देश में वास वृत्ति के अनुसार करते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि वृत्ति कैसी है, धन कितना है, उसमें सम्मान है कि नहीं है ना, उसमें हम अपने परिवार को वहां रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या हमें वहां से और वृद्धि होगी कि नहीं होगी, हम आज की कल्पना करने लगते हैं, उसके साथ साथ ये कल्पना करते हैं और फिर उसकी व्यापकता को लेकर के, भाई हम ऐसे देश न जाए जहां का प्रधानमंत्री या राजा क्या हो जाए, बहुत ही वहां का शासन वहां का नियम उल्टा हो, तो हम जाएं वृत्ति तो पैसे मिलेंगे लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही फांसी चढ़ा दिया जाए, हम निर्दोष होने पर भी हमें दोषी बना दिया जाए। तो ऐसे स्थान में ऐसे शासन वाला यदि राजा होगा तो वहां वृत्ति करने से क्या लाभ होगा, ये भी हम विचार करते हैं। अब देखा कि किसी देश में गए, वहां चिकित्सक अच्छे नहीं है, अब वहां वृत्ति हमें मिल गई, अब चिकित्सक नहीं है, बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, चिकित्सा मिल ही नहीं रहे, पता लगा कि अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गए, तो वृत्ति का आशय क्या होगा, देखा जल ही दूषित है, जल है लेकिन दूषित है, विकृत है, अब वहां जल पी करके बीमार हो गए, आजीविका कर ही नहीं पा रहे, तो फिर वहां नदी और जल का क्या प्रयोजन हो जाएगा ना।
वहां देखा कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म नहीं है, लोग धार्मिक नहीं है, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां धर्म को प्रवृत्त करने वाला कोई माध्यम नहीं है, तब भी वो स्थान आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और धनी लोग तो होंगे ही, जिनके पास पैसा होगा वही व्यापार कराएंगे, और उनके पास पैसा ही नहीं होगा, व्यापार के लिए आपको बुला लेंगे, 1 महीने की सैलरी नहीं दिया तो आप उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहां से सीधा घर की ओर चले आओगे। तो धनिक शब्द का भी यही आशय यहाँ पर किया। बहुत व्यापक श्लोक है, इनका अर्थ अगर हम व्याख्या करने लगे तो बहुत समय होगा, बहुत समय अपेक्षित है, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन को बहुत मार्ग प्रशस्त करने वाली बातें हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक, कल फिर हम आपके समक्ष नई जागरूकता के साथ, नए श्लोक के साथ, नए ज्ञान के साथ इसी समय आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो मुझे आप दें इजाजत, कल फिर हम इसी समय आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।